आज कोलारस विधानसभा के खरई मंडल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोलारस विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को समर्थन देना था और उनके समर्थन में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य रूप से शिरकत की। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा में आते साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जनसभा में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी रही, साथ ही मंच पर कई जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी और मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी रही। मंच से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कोलारस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में वोट अपील भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार महेंद्र सिंह यादव हमेशा ही जनता के लिए अग्रणी रूप से कार्य करते हैं और जनता की सेवा को ही सर्वप्रथम सेवा मानते हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वे ना तो एक बड़े मंत्री हैं और ना ही सांसद हैं, केवल जनता के परिवार में से ही एक हैं। उन्होंने कहा कि जनता उनके लिए एक परिवार रूपी है और साथ ही वे सभी जनताओं को अपनी माताओं और बहनों के रूप में स्वीकार करते हैं और हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर जनसभा में समस्त कार्यकर्ता, जनसेवक साथी एवं समाज सेवी मौजूद रहे। साथ में पधारे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और आज इस कोलारस विधानसभा से पधारे हमारी समस्त मेरी माता बहने और मेरे सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा करने के लिए मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं सबसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ने और मैंने हमेशा आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे पुनः यही आशा करता हूं कि अगर मैंने आपके साथ जीवन में कोई धोखाधड़ी या गलती ना की हो और इतने में की हो, तो मैं आपसे मन से, भले मन से आपसे पैर पकड़ करके माफी मांगता हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद दे करके और मुझे जो है मदद करें। मैं आपकी 5 साल हर तरीके से सेवा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। श्रीमंत सिंधिया जी का सेवक हूँ, इसलिए आपको हमेशा हर तरीके से सेवा करने में पूरी तन मन लगा दूंगा। आप सब से मेरा बार बार यही निवेदन है कि कोई भी गलती हो गई हो उसको क्षमा करते हुए एक बार पुनः मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे पूर्व अध्यक्ष सुशील रघुवंशी साहब, मंच पर आसीन हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के महानुभव, समय का अभाव है, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं और मेरे सामने बैठे हुए खरई के समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं ये तो मेरा परिवार बैठा हुआ है। आज जब व्यक्ति पूरे दिन काम करके वापस आता है तो वो व्यक्ति घर ही वापस आता। आज पूरे दिन पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके मैं वापस घर ही, अपने घर में ही वापस आया हूँ।